बोले सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। गृहवास संचालन का ये प्रथम चरण है। श्वास ले करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए गिरीबा को आगे ले आए, श्वास लेते हुए पीछे ले जाए, श्वास लेते हुए पीछे ले जाए, सीधे हो जाए। अब इसी के दूसरे चरण में हम गिरीबा चारों के बाद हमारे अंदर सकारात्मक, अगर हम पॉजिटिव थॉट्स की बात करें तो वो भी कम ही होते हैं, बट कहीं दूसरी जगह बाहर छोड़ते हुए खुशी को करने का प्रयास करें। भारत के लिए गर्व का विषय है कि 2015 में अमेरिका के यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि सब स्वस्थ रहे और स्वस्थ होने के साथ साथ में सब योगा करें, ये आज की आवश्यकता है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रस्ताव जो मूव किया गया था, जिसको सहजता से पूरे विश्व ने स्वीकार किया और 21 जून को विश्व योगा दिवस का एक बहुत बड़ा योगदान भारत की संस्कृति, भारत की जो सही माने में जिसको बोल सकते, जो हमारी पुरानी एक पद्धति स्वस्थ रहने की, उस दिशा में पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्वीकृति सभी देशों की ओर से जब मिली, और आज बहुत उत्साह के साथ पूरा योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब योगा करें, स्वस्थ रहें, और सबकी शांति के लिए, सबके स्वस्थ रहने के लिए हम कामना करें। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज इसका आयोजन आयुष डिपार्टमेंट ने यहाँ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में बड़ा ही भव्य आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अभी बच्चे और बाकी लोग जो शहर के हैं वो आए हुए हैं। एक अच्छा मैसेज है, हमें सबको जो है योग अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। काफ़ी लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जैसा कि यहाँ बताया भी गया कि इससे हम रोग मुक्त भी रहते हैं और हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहता है, खुश भी रहते हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के हर हॉस्पिटल में, हर इनके हेल्थ सेंटर में योग सिखाया जाता है, तो इसमें जो है हमारे इन हॉस्पिटलों में आए, हमारे इन शिविरों में आए और योग का जो है अपनी ज़िंदगी में इसमें इसको अपनाएं। उसमें काफ़ी युवाओं ने भाग लिया, क्या कहेंगे और क्या संदेश आपने दिया और किस ऊर्जा के साथ में आज योग हुआ? आज विश्व, पूरा विश्व जो है वो योग दिवस को मना रहा है। पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने आज एक साथ योग किया, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। यहाँ तक कि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी, अमेरिका वो गए हुए हैं, उन्होंने योग करवाया भी और किया भी। और आज हम इस विश्वव्यापी जो इवेंट था उसका हम सब हिस्सा बने। हमने जो योगा प्रोटोकॉल है घंटे का, उसका यहाँ अभ्यास किया और हमारे साथ यहाँ तकरीबन 100 लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, हमारे नौजवान, और सभी ने इसका अभ्यास किया है। और अभ्यास करने के बाद जो है बहुत अच्छा सा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि योग अभ्यास एक ऐसी विधा है जिसकी वजह से और जिसके आधार पर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों को दूर रखा जा सकता है, मन के विकारों को दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। मन हमारा स्वस्थ होगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा, तभी हम समाज के लिए अपना योगदान कर पाएंगे, समाज को हम अच्छा कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि सभी को योग करना चाहिए, न सिर्फ 21 जून को ही हम योग करें। 21 जून को जो योग किया गया है और 21 जून के बाद प्रतिदिन इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा हम बनाएं, सुबह और शाम जैसे भी जिसको वक्त मिलता है, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए योग का अभ्यास जो है वो रोज़ रोज़ होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रधानमंत्री जी एक बात में कामयाब हो गए हैं, खुद तो उन्होंने किया ही, भाजपा के जो नेता है उन्होंने तो किया, लेकिन जितने भी दल है आज सभी योग करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे? देखिए, योग का जो अर्थ है वो जोड़ना होता है, और एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ना, दीवारों को गिरा देना,
हम सब एक हो जाएं, देश के हितों के लिए हम सब एक हो जाएं। योग का लक्ष्य जो है वो भी एक है, और योग जो है आज लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। वो चाहे किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, आज योग जो है वो सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ रहा है। जैसा आपने कहा कि सभी दलों के लोगों ने आज योग किया, तो मोदी जी का ये प्रयास, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ज़बरदस्त प्रयास है। क्या उनकी सोच है, किस प्रकार उन्होंने इस माध्यम से जो है लोगों को जोड़ने का विश्व स्तर पर उन्होंने एक अभियान जो शुरू किया है, उसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, उनको मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ।